भारत की जीडीपी 6 साल के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हैं। सर, क्या कारण मानते हैं आप कि लगातार भारत की जीडीपी गिर रही है? देखिए, कारण दो हैं। पहले तो ग्लोबल रीजंस हैं। ग्लोबली यूएस चाइना बहुत बड़ी ट्रेड वॉर चल रही है। अब यूएस और चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी दो इकोनॉमीज हैं। अब उनके बीच में अब इतनी बड़ी ट्रेड वॉर होगी तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट दुनिया के बाकी मुल्कों में भी पड़ना लाजमी है। आपको एग्जांपल दूं, जर्मनी जो हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, मात्र 0.1% जीडीपी ग्रोथ वहाँ पे है इस समय। फ्रांस, इस क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ मात्र 0.3% के करीब है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल ट्रेड वॉर का कुछ हद तक इम्पैक्ट है। हिंदुस्तान की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी का इंट्रोडक्शन, हालांकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है इन द लॉन्ग टर्म बोथ दीज मेजर्स आर वेरी गुड मेजर्स, बट शॉर्ट टर्म में व्यापारियों को इसकी वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं, तकलीफ हुई हैं, अभी वो एक्लिमेटाइज नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से जीएसटी और नोटबंदी कारण मान रहे हैं आप? जीएसटी और नोटबंदी को जो है मैं डोमेस्टिक फैक्टर्स में कारण मान रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि कारण दोनों हैं, ग्लोबल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं, तो डोमेस्टिक के अंदर जीएसटी और नोटबंदी को कारण मान रहा हूँ। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में दोनों ही इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं, बट शॉर्ट टर्म में दिक्कतें आई हैं उसकी वजह से। तीसरा, बैंकों के बहुत से एनपीएस हो गए हैं, कई बैंकों के, यानी बैंकों का बहुत सारे लोन्स डूब गए हैं, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी नहीं है बाजार में। आज आप किसी भी दुकानदार से, फैक्ट्री वाले से पूछेंगे तो बताएगा, भाई साहब बाजार में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, मनी सर्कुलेशन नहीं है, तो लिक्विडिटी कम हुई है बाजार से। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ आया? इसकी वजह से जॉब मार्केट काफ़ी बुरी तरह इम्पैक्ट हुई है। अब इतने सारे यंग MBAs, यंग इंजीनियर्स कंट्री में नए आ रहे हैं इंस्टीट्यूट से, उनके लिए जॉब्स की कमी है। एक तरफ तो जॉब्स की कमी है, दूसरी तरफ एक और तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में इंटेंसीफाई होती जा रही है। वो क्या है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए वो डिज़र्व करता है अपनी टैलेंट, अपनी एबिलिटी या क्वालिफिकेशन के बेस पे लाख रुपए की सैलरी, उसे जॉब मिली हुई है 40,000 की, 35,000 की या 45,000 की, तो वो भी एक तरह की अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब क्योंकि वो बेरोज़गार तो रहना नहीं चाहता, ठीक है 40,000 की नौकरी कर लेता है। तो जीडीपी में जो कमी आई है उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जॉब मार्केट पे पड़ा है। अब जब लोगों के पास जॉब्स की कमी है या जॉब्स के अंदर कमाई कम है तो लोग बाज़ार में जाके कम खर्चेंगे। अब व्हेन पीपल वोंट गो आउट एंड स्पेंड, सो देन मार्केट्स आर गोइंग टू मार्केट्स, बाय व्हाट आई मीन बाय मार्केट्स इज द रिटेल मार्केट्स, द पीपल गो एंड डू शॉपिंग, दे आर गोइंग टू डिक्लाइन, बिकॉज वी ऑल नो वन मैनज एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। अब इस पीरियड की बात करें अगस्त सितंबर की, गाड़ियों की सेल अनइम्प्रेसिव रही है, टू व्हीलर्स की सेल अनइम्प्रेसिव रही है। इवन 5 रुपये का बिस्किट बनाने वाली एक बड़ी मशहूर कंपनी ने बताया कि उनके बिस्किट की सेल में कुछ कमी आई है। तो कहीं ना कहीं बाजार में डिमांड यानी कंजम्पशन की कमी है। ग्लोबली यूएस में, यूरोप में, जापान, कोरिया में, जब भी हिंदुस्तान की बात होती है तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है डिमांड या कंजम्पशन। दैट डिमांड और कंजम्पशन हैज़ बीन हिट। आज आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, शॉपिंग मॉल्स में जाएं, शॉप्स में जाएं, फुटफॉल नहीं है। आज कोई अगर व्यक्ति बाइंग करने जाता है तो वो जनरली अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं इसके बिना उसका काम नहीं चलता, आटा, दाल, चावल, मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें लेता है। जो लग्जरीज या कंफर्ट्स हैं उसकी बाइंग आज की तारीख में बहुत कम हो रही है। लोग उस तरीके से रेस्टोरेंट्स के अंदर जाना, मूवीज़ के लिए जाना, आउटिंग्स के लिए, एक्सकर्शंस के लिए फैमिली के साथ जाना, वो नहीं कर रहे हैं। अब अगर लोग खर्चेंगे नहीं तो कमाई कैसे होगी? एक व्यक्ति खर्चेगा 10 लोगों को रोज़गार मिलता है। एक नई कार बाज़ार में बिकती है 10,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सिमिलरली आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा जाएं, कितने लोग उस रेस्टोरेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, कितने इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि सरकार ने ऑलरेडी कुछ एफर्ट्स किए हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है, सरकार ने इस स्लो डाउन को टैकल करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स यानी कंपनियों के टैक्स में कुछ कटौती की है, बैंक्स का मर्जर किया है, टैक्सेशन के प्रोसीजर्स को कुछ इजी किया है, कुछ एफर्ट्स सरकार ने किए हैं। उसके अलावा आपके प्लेटफॉर्म से
सरकार को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन की तरफ से कि अब पर्सनल इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स जो मैं, आप, हमारे मित्र जो देख रहे हैं आगे वो देते हैं, उसके अंदर रिडक्शन की जाए। ATC की ट्यून पे, जैसे ATC के अंदर एग्जम्पशन है इनकम टैक्स की, गाड़ियां परचेज करने पे, टू व्हीलर्स परचेज करने पे कंसेशन रखे जाए, तो उससे होगा क्या? जब लोगों को टैक्स कंसेशन मिलेगा, पीपल वुड गो आउट एंड बाय थिंग्स। टैक्स कम लगेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा लोग जाके बाजार में खर्चेंगे, खर्चेंगे तो इकोनॉमी चलेगी। तो पहले तो टैक्स कंसेशन दिए जाएं, दूसरा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाए बाजार के अंदर, यानी बैंक्स की तरफ से इस तरीके से चीज़ों को इंश्योर किया जाए कि सस्ते रेट पे लोन अवेलेबल हों बिजनेसमैन को, कंज्यूमर को, तब मार्केट उठेगी। और साथ ही साथ सेंटीमेंट बूस्ट करने के लिए सरकार को एक स्टिमुलस पैकेज को आम भाषा में कहें, वो काम जो चाइना ने 2-3 साल पहले किया था, US ने 10 साल पहले किया था, कि इकोनॉमी को मोटिवेट किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की जाए, सरकार की तरफ से टैक्स कट्स दिए जाएं और इकोनॉमी को तरक्की और तेजी दी जाए, वो जरूरी है। क्या आप ये कभी कारण मानते हैं कि जैसे हम और आप पहले 2000 रुपये मंथली खर्च करते थे अपने ऊपर, आज 1000 रुपया कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है, आज अगर नौकरी में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो इन्फ्लेशन की वजह से, मैं बड़ा सिंपल आपको बताता हूँ, 2 साल पहले आप 40,000 रुपये महीना कमाते थे, तब खर्चा था आपका 30,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये आपके पास बच जाते थे, उस 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये आप बैंक में जमा कर देते थे, 5,000 रुपये आप खर्च करते थे अपने छोटे छोटे शौक पे, कोई शर्ट खरीद ली नहीं, पिक्चर देखा है, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया। अब हुआ क्या है, 2 साल में कुछ हद तक इन्फ्लेशन तो रही है, वो सैलरी आपकी 40,000 की 40,000 ही है, खर्चा आपका हो गया 40,000 या 38,000 37,000, तो आपके पास सरप्लस कितना बचा, 2,000 3,000। जाहिर सी बात है उसमें से आप कुछ बैंक में भी रखना चाहोगे फ्यूचर के लिए। तो जब आपके पास सरप्लस पैसा, एक्स्ट्रा मनी नहीं है, तो जाके आप शॉपिंग नहीं करोगे। अगर आज हुआ ये होता कि आपकी सैलरी बढ़ के खर्चे आपके 30 के 38 हुए होते, सैलरी आपकी 60,000 हो गई होती, तो आप उसी तरीके से खुद या अपनी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के साथ आप शॉपिंग करने जाते, परचेजिंग करने जाते, एक्सकर्शंस पे, पिकनिक्स पे, आउटिंग्स पे जाते। अब वो कम हुआ पड़ा है, तो वो कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इकॉनमी में मूवमेंट कम रहेगी। तो जॉब मार्केट में हालात ये हैं कि बहुत से फील्ड्स में मैं लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि अगर 50,000 रुपये वाला व्यक्ति छोड़ने को तैयार है तो 25,000 रुपये में वही काम दूसरे और दो लोग करने को तैयार हैं। तो इंक्रीमेंट्स में कमी आई है, जैसे मैंने बताया कि जो व्यक्ति 1,00,000 रुपये तनख्वाह डिजर्व करता है, बहुत केसेज में उसे तनख्वाह मिल रही है 40,000 45,000, लेकिन क्या करेगा, अनएम्प्लॉयड तो रहेगा नहीं, तो जो मिल रही है उसी में गुजारा कर लो। गुजारे का मतलब क्या हुआ, मात्र नेसेसिटीज, आटा दाल चावल दूध, बच्चों की स्कूल की फीस, बुजुर्गों की हेल्थ, उसके लिए खर्चा कर लो। वो जो एक्स्ट्रा शॉपिंग थी जिससे इकोनॉमी चलती है, वो जो शौक पूरे करने से, चाहे मूवीज देखना हो, आउटिंग जाना हो, शॉपिंग करना हो, कुछ ज्वेलरी परचेज करना हो, पार्टीज देना हो, हालात तो यहाँ तक हैं कि अभी नवंबर के अंदर दिल्ली में एक बहुत बड़ा पंजाबी मैरिज सीज़न होता है, साहा जिसे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, तो उस टाइम क्या है, बहुत खर्चा होता है, लोग बड़े से बड़े केटरर्स हायर करते हैं। अब मेरी कुछ वेडिंग प्लानर से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि पीपल हैव स्टार्टेड कटिंग देयर एक्सपेंडिचर इन मैरिजेज ऑल्सो। इफ समबडी वॉज प्लानिंग अ केटर ऑफ 2,000 रुपीज़ पर हेड, नाउ परहैप्स ही इज हंटिंग फॉर अ केटर विच वुड चार्ज हिम 1,200 or 1,400 रुपीज़। Or some people, what they are doing is they have reduced the guest list. If initially they had planned to have 400 guests, now they are having only 250 guests. तो लोग वहाँ भी खर्चा कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पूरा एक साइकिल है, लोग खर्चेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को कमाई बढ़ेगी, वो जो है खर्चा हमने दोबारा से करवाना शुरू करना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि अर्थव्यवस्था में भय का माहौल है, इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए मैं ऐसा है कि मैं ये कहूँगा कि अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है और स्लो डाउन को टैकल करना ज़रूरी है। स्लो डाउन तो है, जो तेज़ी अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो उस स्लो डाउन को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कारण चाहे ग्लोबल हो चाहे डोमेस्टिक, हमारे यहाँ के व्यक्ति तो भारत सरकार से रिलीफ चाहेगा ना, तो जाहिर सी बात है सरकार को ऐसे एफर्ट्स करने होंगे। सरकार ने कुछ एफर्ट्स किए हैं,
ऑलरेडी सरकार कुछ एफर्ट्स कर रही है, बट और एफर्ट्स करने की भी रिक्वायरमेंट है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का कहना है कि बुनियादी ढांचा अभी भी मजबूत है, तीसरी तिमाही में जीडीपी की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। क्या पकड़ पाएंगे? कुछ हद तक चीज़ें सुधरेंगी, बिकॉज हुआ क्या है, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 30 सितंबर तक के हैं, 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हुई हैं। दिवाली शॉपिंग में कुछ ग्रोथ आई है, पंजाबी मैरिज सीजन जो दिल्ली में होता है उसमें ग्रोथ आई है। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कुछ ना कुछ बाइंग बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ी है, जॉब मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, क्रेडिट ऑफ टेक भी बढ़ा है। तो ये वाला जो क्वार्टर है 1 अक्टूबर to 31 दिसंबर कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, बिकॉज हुआ क्या है, अगस्त सितंबर में गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, उन एफर्ट्स का रिजल्ट आते आते कुछ समय लगता है। तो थर्ड क्वार्टर में ये जो 1 अक्टूबर to 31 दिसंबर है इसके अंदर कुछ तेज़ी आने की उम्मीद है, लेकिन सरकार को अभी भी एफर्ट्स अपने ज़्यादा बड़े स्केल पे करने होंगे। इंटेंस एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड। केंद्र सरकार इस समय निजीकरण के तरफ ध्यान दे रही है, एयर इंडिया हो गया, BSNL हो गया, MTNL हो गया, क्या इससे GDP का ग्रोथ बढ़ेगा? देखिए, निजीकरण तो इट्स द ऑर्डर ऑफ द डे, दुनिया भर में जो है प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया जा रहा है। US में तो ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट सेक्टर चलाता है, और प्राइवेटाइजेशन का वक्त है, ग्लोबलाइजेशन का वक्त है, तो अगर चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, या कॉमन मैन से जो है को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। तो क्योंकि मेरा तो खुद ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in का मानना है कि सरकार को गवर्न करना चाहिए, बिजनेस में सरकार को कम से कम होना चाहिए, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ सरकार रहे। सरकार का रोल जो है गवर्न करना है, तो उसके अलावा अगर बिजनेस करना है, चाहे कोई पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो या और चीज़ें हों, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को आने दीजिए। जब दुनिया की सबसे कामयाब, सबसे सॉलिड जो इकोनॉमी है US, वो प्राइवेटाइजेशन के बेसिस पे, देखिए पिछले 60-70 साल से दुनिया की वो टॉप इकोनॉमी अपने आप को एग्जिबिट कर रही है, दिखा रही है, और वहाँ प्राइवेट सेक्टर ही सारा कुछ चलाता है। तो एक बिजनेस मॉडल हमारे सामने है कि प्राइवेट सेक्टर सारा कुछ वहाँ चलाता है और कामयाबी है, तो प्राइवेट सेक्टर को चलाने दिया जाए। सरकार को तो जो है गवर्न करने में, सरकार को तो रेगुलेट करना चाहिए, बिजनेस को हेल्प करनी चाहिए, फैसिलिटेट करनी चाहिए। बिजनेस करना सरकार का काम नहीं होना चाहिए, बिजनेस करना तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको आगे आने दीजिए। तो ये थे हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी, कैमरामैन अवधेश के साथ केशव कुमार झा, HS News दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।